नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। नवाबगंज के ग्राम बर्तल के सैकड़ों लोगों ने SDM को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया कि उनकी बस्ती में सड़कों पर कीचड़ पानी भरा है और घरों से निकलने वाला पानी भी बहना बंद हो चुका है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह हुए जल भराव में डूबकर कुछ दिन पहले एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है और अब हालात फिर एक बार वैसे ही होते नजर आ रहे हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया? सुधांशु। कहाँ रहते हो? यहीं इसी गली। नाम बताओ, कहाँ पर रहते हो, किस गांव? नवाबगंज बर्तल वाली गली है ये। बताओ गली को लेकर क्या समस्या है आपकी? अरे भाई साहब, समस्या ही समस्या है। तो बताओ तो, इस गली में हालात ये हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार इसी तरह से पानी भरा हुआ है। सभी लोगों से कहा गया, जो भी जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये हालात है इस गली के। बच्चों का निकलना दूभर है, बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं इसमें। तो किससे किससे कंप्लेंट की है आपने? भाई साहब, कंप्लेंट तो सभी को, ग्राम प्रधान को तो पहले ही बता चुके हैं, SDM साहब को भी पिछले बार करी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वीडियो ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, उच्च अधिकारी जिसको कंप्लेंट नहीं है। प्रधान जी का नाम क्या है? संतोष गुप्ता। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। पत्नी नाम बताओ। मीरा देवी। वो यहाँ प्रत्याशी जी? नहीं, प्रत्याशी अब आगे कौन होगा पता नहीं, वर्तमान में वही तो है मीरा देवी। का नाम क्या भैया? रजनीश राठौर। आप भी यहीं रहने वाले जी? यही सामने, हमारे घर के ही सामने। अच्छा, आपके घर के सामने ही है ये समस्या? एक बच्चे की भी डेथ हो चुकी है, पानी में डूब गई। हाँ, कल एक बच गया, पकड़ लिया गया, देख लिया, साल भर का बच्चा है, मौके पे ही देख लिया तो मिल गया, नहीं तो इधर उधर आजू बाजू ढूंढते पता लगता पानी में दम तोड़ देता हूँ। सीमित नहीं है और हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ तक आज आपने कहीं कम्प्लेंट दी है क्या? आज अभी यहाँ एक